वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएस नर्सिंग का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बीएस नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर हमको ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, और आपको ज़रूर देखना चाहिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपको इससे पता लग जाता है कि आपका बीएस नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो किस लैंग्वेज में होता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और टाइम कितना दिया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल मोस्टली पता चलता है आपको। तो लीजिए, ये आपके सामने बी एस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। और अगर इसी प्रकार के आपको वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बी एस नर्सिंग के, ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में इस चैनल पर मिल जाएगी, फॉर्म को लेकर, सिलेबस को लेकर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को लेकर और इसकी तैयारी को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पेट के गैस्ट्रिक खड्डों की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आंतरिक कारक का स्त्राव करती है। ठीक है, सेल ऑफ द स्टोमक गैस्ट्रिक सिगरेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे होता है ना, वो किस सिगरेट होता है, ये पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका पार्सियल कोशिकाएं, देखो हिंदी में तो जाने पार्सियल दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पैरेटल सेल्स इंग्लिश में अच्छा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लैंग्वेज आपके बी एस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आती है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्सियल कोशिकाएं द्वारा एच सी एल का सिग्रेशन किया जाता है जो कि आपके स्टोमक में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर तो थोड़ा पहले आपको देना है, उसके बाद इसका आंसर मैं आपको बताऊँगा, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर एडजस्ट कर लेते। क्लोराइड शिफ्ट के दौरान आर बी सी की विद्युत तटस्थता को कौन बनाए रखता है, ड्रिंक क्लोराइड शिफ्ट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आर बी सी इन मेंटेनली बाय प्लाज्मा से इरिथ्रोसाइड को सी एल का प्रसारण, या फिर इरिथ्रोसाइड से पोटेशियम का सक्रिय परिवहन, या फिर एच प्लस आयन से विचलन प्लाज्मा इरिथ्रोसाइड के लिए, या फिर कोई नहीं। टिक लगा दिया, देखो फटाफट से टिक लगा दिया करो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में इतना टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्लाज्मा से इरिथ्रोसाइड को सेल का प्रसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईओसिनोफिल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ईओसिनोफिल क्या सब जानते हैं, डब्ल्यू आपके डब्ल्यू बी सी सबने पढ़ रखी है, आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट, ठीक है, ब्लड वाला चैप्टर, तो वहाँ से क्वेश्चन बन गया। ईओसिनोफिल में 2 से 7 लोग होते संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, एलर्जी की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण है, विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको बताना कि ईओसिनोफिल के बारे में क्या बात सही है। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एलर्जी की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका ईओसिनोफिल। ठीक है, तो आपको तो पूरा ब्लड का ही कंसेप्ट याद होना चाहिए गाइज, आपका जो ब्लड है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती है ना, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, ब्लड सेल्स कितना परसेंट होता है। ठीक है, 55 ये होता है, 45 ये होती है। ठीक है, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स की बात करें तो ये भी बहुत सारे टाइप होती है, आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स, फिर भी आपको डब्ल्यू बी सी का टाइप, ग्रेनुलर्स, सब कुछ दिया हुआ है आपके बुक्स में। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ब्लड के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर दूँगा सारी समस्याएं खत्म, बट कमेंट आने चाहिए। चलते आगे, और हेनलेक लूप किसके अवशोषण के लिए होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक्सक्रेटरी सिस्टम से। हेनले लूप इज मेंट फॉर ऑब्जर्वेशन, हेनले का लूप तो सब जानते हैं ना, सबको पता होना चाहिए, नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी, सो गाइज आप सबने पढ़ रखा है नेफ्रॉन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के होते हैं, बोमन स्पुट, फिर हमारा समयपस्थ कुंडल नलिका, फिर हेनले का लूप, फिर दूरस्थ कुंडल नलिका, फिर एक संग्राहक नलिका में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल कोशिका गुच्छ होता है, सबको नॉर्मल डायग्राम में बना रहा हूँ, तो ये तो आपको बेसिकली पता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, और फंक्शंस भी, फिजियोलॉजी भी आपको पता होना जरूरी है। तो कहाँ पर कौन सी क्रिया होती सबको पता होगा, तो इसका आंसर दे पाओगे आप, नहीं तो नहीं दे पाओगे। सो गाइज, आपको पता है कि हमारा जो हेनले का लूप होता है ना, वहाँ पर जो ये होती है हमारी आरोही और अवरोही, इसको बोलते हैं। ठीक है, असेंडिंग डक्ट और डिसेंडिंग डक्ट, सिंपल वे में। तो यहाँ पर किसका ऑब्जर्वेशन होता है गाइज,
और यहाँ पर किसका होता है, यहाँ पर किसका होता है, ये तीन जगह तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से भी बन सकता है, असेंडिंग से भी बन सकता है आपके, ठीक है, और आपके डिसेंडिंग से भी बन सकता है, और रहने लोग से तो ये आपके सामने बन गया, ठीक है। तो कहाँ पर कौन से आयंस, लवणस, ठीक है, ऑब्जर्व होते हैं, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि हेनले का लोप किसके अवशोषण के लिए होता है, क्या पोटेशियम के लिए होता है, क्या ग्लूकोज के लिए, या फिर यूरिया के लिए, या फिर सोडियम के लिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो यूरिन बनता है, मूत्र जो बनता है ना, उसमें इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए पदार्थ होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वो भी फिल्टर हो के आ जाते हैं फर्स्ट बार में, तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि इधर से हमारे कुछ भी नहीं, बॉडी से हमारे सप्लाई के लिए आर्टरीज होती है, वेंस होती है, ठीक है, इसमें अशुद्ध रक्त आता है और यहाँ पर कोशिका गुच्छ में फिल्टर होके वापस आर्टरी तो निकल जाता है, ठीक है। तो आपको इधर जो हमारा यूरिन बना, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जा चुकी है, तो इसका ऑब्जर्व होना ज़रूरी है। तो ये जैसे जैसे आगे जाते ऑब्जर्व होता जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जाल बच्चा हुआ था इसके ऊपर, ब्लड का, ब्लड नलिका हुआ, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हेनले का लोप किसका अवशोषण करता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम आयंस का, ठीक है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए फिर ग्लूकोज का कहाँ पर होता है, यूरिया का कहाँ पर होता है, ठीक है। अगर पता नहीं है तो बता देना, वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में रोमक स्तंभ उपकला कोशिकाएं उत्पन्न होने के लिए जानी जाती है, ब्रोंकियोल्स और हमारे जो फ्लेविन ट्यूब्स होती है, स्टैंचियन ट्यूब और स्टोमक लेनिंग, या फिर फ्लेविन ट्यूब और मूत्रमार्ग, या फिर पित्तनली और घेंगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट है, इजी इजी क्वेश्चन है, देख लो, फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये ब्रोंकियल्स और फ्लेविन ट्यूब, सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आराम करने वाले न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर में प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता है, पोटेशियम की तुलना में सोडियम आयन के लिए अधिक, सोडियम आयन की तुलना में पोटेशियम आयन के लिए अधिक, पोटेशियम के लिए अवैध यानी कि इम्प्रमेबल। हिंदी में समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश ऊपर दी हुई होती है, ठीक है, दोनों आयनों के लिए इम्परमेबल का क्या हो सकता है इसका राइट ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि सोडियम की तुलना में पोटेशियम के लिए अधिक। निम्न में कौन सा गलत है, अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, रोगाणु परत, ट्रोम्फोब्लास्ट, एक रोगाणु परत, आंतरिक कोशिका द्रव्यमान भ्रूण स्टेम कोशिका का स्रोत है, प्लास्टुला अक्सर कोशिकाओं की खोखली गेंद होती है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि ट्रोम्फोब्लास्ट एक रोगाणु परत है जो कि गलत है, बाकी ये सब सही है, याद रख लेना इनको, तो तीन को तो। और गाइज मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिप्रोडक्शन सिस्टम से तो क्वेश्चन बनता है बनता है, ठीक है, पिछले जो वीडियो था उसमें भी बोला था, तो इसको तो आप 2 से 3 क्या 10 बार पढ़ लेना। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम आपको बताना है गाइज, ठीक है, तो बता दो, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, सब कुछ आपने 12th में पढ़ा हुआ है, और आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी 12th के लेवल से क्वेश्चन बनते हैं, बाहर से नहीं बनते, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, और तैयारी तो हम करवा ही रहे आपको, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस, बस काम बन गया आपका। तो आई होप आपने चूज कर लिया होगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, शुक्राणु निर्माण का कर लिया। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड और शुक्राणु जोआ, जिसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हो, ठीक है, यानी कि शुक्राणु बनने की जो क्रिया होती है ये स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट होती है, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट आती है, उसके बाद
स्पर्मेटिड आता है, उसके बाद स्पर्मेटोजो आता है, ये स्टेज इनकी होती है और आपका शुक्राणु कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्पर्म राइट, सबको पता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। और यही एक संतान की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, ओनली वन शुक्राणु, ठीक है। जबकि आपको पता है कि जो वीर्य होता है उसमें करोड़ों स्पर्म होते हैं, बट उनका कोई महत्व नहीं है, ओनली जीवन की रचना एक ही स्पर्म से हो जाती है। कितना अमेजिंग है गाइस, इतने से कन्वर्ट होके इतना बड़ा होना, ठीक है, कुदरत की देन है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखो पूछ लिया, मानसिक धर्म का प्रभाव किसके कारण होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, आपने देखा होगा कि लेडीज़ में हर मंथली ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। क्यों होती है, कैसे होती है, आपको सारा इसका पक्ष नहीं पता होगा, तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार का उनका सिस्टम होता है, कुछ टेढ़ा बन गया आपको, तो थोड़ी ड्राइंग हमारी कमज़ोरी है गाइस, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। कुछ इस प्रकार से होता है राइट, यहाँ पर ओवरीज होते और ये इनकी फ्लोविन ट्यूब है। निषेचन कहाँ पर होता है आपको सबको पता है, और ये इनका फंडिक भाग है, यहाँ पर यूट्रस है और यहाँ पर सर्वाइक्स होता है, सर्विक्स होता है, ठीक है, और आगे फिर वेजाइन आ जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर क्रियाएँ चलती है ओवरीज में और मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस प्रकार से होता है, आपको पता है कि प्रत्येक महीने यहाँ पर क्या बनता है, क्या बनता है, अंडाणु बनता है, ठीक है, और रिलीज हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। किस प्रकार से बनता है वो तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कार्पस लूटियम जो होता है वो क्या करता है, वो सिग्रेट करता है किसका, प्रोजेस्टेरोन का, कार्पस लूटियम फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस एल्बिकेंस में, तो प्रोजेस्टेरोन का सिग्रेशन कम हो जाता है, कम हो गया तो ये जो ये यूट्रस है ना, तो इसकी जो लेयर है एंडोमेट्रियम उसका ब्रेकडाउन होके यहाँ से आर्टरी वेन वेन जो होती है उसका ब्रेकडाउन होके ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है राइट। तो इसका कारण क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन में कमी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन की कमी से ऐसा होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके क्लियर, चलते आगे को। निम्न में कौन सा अफ्रा का कार्य नहीं है, प्लेसेंटा, विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। पहले प्लेसेंटा तो क्लियर है ना आपका कि प्लेसेंटा की रोगता क्या है। सो गाइज प्लेसेंटा मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे कोई मदर है, ठीक है, और कोई इसके अंदर कोई शिशु है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से समझा देते अपन कि जैसे आपका यूट्रस है और इसका फंडिक भाग है, तो यहाँ से कनेक्टेड होता है आपको पता है, और यहाँ पर शिशु होता है, ये से कनेक्टेड होता है। तो ये जो पार्ट है तो बहुत सारा होता है यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, और ये जो ये ना इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो इसको जूम करके देखें यहाँ से, तो ये जो हिस्सा है ये गोल वाला जो मदर से कनेक्टेड है, मदर के यूट्रस से, ठीक है, और ये जो लंबा सा है रस्सी जैसा, तो इसको बोलते हैं आप अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, और प्लेसेंटा इस गोल गोल चक्कर को बोलते हैं, ये जो मदर के इसके कनेक्टेड है राइट, और इधर बच्चा कनेक्टेड होता है। तो ये होता है प्लेसेंटा और ये होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, क्लियर। तो प्लेसेंटा का यहाँ पर अपरा का कार्य नहीं है तो आपको बताना है। भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्वों की आपूर्ति, एस्ट्रोजन को स्रावित करता है, भ्रूण में कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को हटाने की सुविधा, विभाजन के दौरान ऑक्सीटॉक्सिन का स्राव करता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विभाजन के दौरान ऑक्सीटॉक्सिन का स्राव होता है राइट। अगला क्वेश्चन है, एक लिंकेज समूह से दूसरे में जीन की गति को क्या कहा जाता है, उल्टा देना या फिर डुप्लीकेशन या फिर ट्रांसलेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रॉसिंग ओवर राइट। अगला क्वेश्चन है, एलएल से विभिन्न फिनोटाइप, सच प्रजनन, होमोजेनस जीन के विभिन्न आणविक रूप या फिर हेटरोजाइगोट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हेटरोजाइगोट।
अगला क्वेश्चन है, एचआईवी जो एड्स का कारण बनता है पहले सबसे पहले नष्ट करने लगता है, किसको करने लगता है? एचआईवी द कॉज एड्स किसको डिस्ट्रॉय करता है सबसे पहले गाइस? क्या बी लिम्फोसाइट को, या फिर ल्यूकोसाइट को, या फिर हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, या फिर थ्रोम्बोसाइट को? सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ना गाइस, ये पहले बी को नहीं यहाँ पर मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हेल्पर टी होगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो हेल्पर टी को अटैक करेगा ना। एचआईवी जो एड्स का कारण बनता है सबसे पहले किसको नष्ट करता है? हेल्पर टी को। अगर आपका कुछ मत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, कि सबसे पहले किसको नष्ट करता है, क्योंकि ऑप्शन इसमें टी आना चाहिए, क्योंकि हम मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट को सबसे पहले नष्ट करता है। कौन कौन सा मत है बता देना, अगर जिसको डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलते आगे को, 12 जोड़ी पसलियां हैं जिनमें से सीधे उरोस्ती से जुड़ी होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले 11 जोड़ी, पहले 9 जोड़ी, पहले 5 जोड़ी, पहले 7 जोड़ी, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 11th में से हमने पढ़ा है, और 11th एनसीईआरटी जिसने फॉलो किए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में 11th और 12th का ही मैटर आता है, ठीक है, 11th और 12th का, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहले डी यानी कि पृष्ठ 7 पेयर उरोस्ती से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, सबको पता है किस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, कैसे इसको होता है, ठीक है, सबको पढ़ा हुआ है 11th में। अगला क्वेश्चन है, एक अंडे में जर्दी की मात्रा और वितरण के अनुसार उभयचरों के अंडे होते हैं, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबको योग दिया हुआ है, एलेथिकल सेंट्रिकल माइक्रोलेसेंथिकल टीलोलेसेंथिकल सब कुछ दिया हुआ है, मीजोलेसेंथिकल, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले आप देख लो क्वेश्चन ऑप्शन, उभयचरों के अंडे होते हैं, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल, राइट। चलते आगे और, संतुलन से संबंधित स्वेद अंग है सेंस ऑर्गन विथ इक्लुवियम, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आंखें, मेडुला ऑब्लोगेटा, इंटरनल एयर, नाक, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, इंटरनल एयर, राइट। सो गाइज आपने देखा कि किस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस थे, और बहुत अच्छा सी ऑप्शन है इसका, इंटरनल एयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च मृत्यु दर के लिए जनसंख्या में तेजी से गिरावट, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या क्रैश, जनसंख्या विस्फोट, या फिर उपयोग सभी, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या क्रैश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के बीच श्रमिक है अमंग हनी बी वर्कर्स, नर मादा, नर और मादा दोनों, या फिर उभयलिंगी, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है।